पाकिस्तान के हबीब जालिब एक ऐसा नाम जिसने अपनी क्रांतिकारी कविताओं के दम पर देश दुनिया में खूब नाम कमाया। आज उसी कवि की बेटी अपना पेट पालने के लिए पाकिस्तान में टैक्सी चलाने को मजबूर हो गई है। साल 2014 में पाकिस्तान अधीन पंजाब सरकार ने उनकी मां का वजीफा बंद कर दिया था। उसके बाद से ही उनकी बेटी ताहिरा अपने परिवार का पेट भरने के लिए प्राइवेट टैक्सी चलाती है। ताहिरा अपने परिवार समेत लाहौर के मुस्तफा टाउन में रहती है। ताहिरा ने जियो टीवी से बातचीत में बताया कि अपने पूरे परिवार में वह इकलौती कमाई करने वाली महिला है। ताहिरा के मुताबिक उन्होंने अपनी टैक्सी पर लोन लिया हुआ है। ताहिरा ने बताया कि उनकी मां को महीने में 25,000 रुपए वजीफा मिलता था, जिसे पाकिस्तान अधीन पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने 2014 में बंद कर दिया था। ये पैसा उन्हें कभी कोटा से दिया जाता था। साल 2014 में उनकी मां की मौत के बाद वजीफा मिलना बंद हो गया। ताहिरा ने पाकिस्तान सरकार से गुजारिश की है कि उनके परिवार को मिलने वाला वजीफा दोबारा शुरू कर दिया जाए। उनका परिवार इस समय आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन मुश्किलों से हार ना मानने वाली ताहिरा कहती है कि उन्हें टैक्सी चलाने में कोई शर्म नहीं आती। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके पिता कवि थे, लेकिन पाकिस्तान में सरकार को शर्म क्यों नहीं आती ऐसी हरकत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।